नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़। खबर हमारी दुनिया तक। पांचाल घाट पर मेला रामनगरिया का भव्य शुभारंभ, आस्था में डूबा पूरा शहर। आधी अधूरी तैयारी के बीच मेला रामनगरिया का शुभारंभ, कल्पवासियों में रोष। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा तट पर फिर गूंजे माँ गंगा के जयकारे। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। पांचाल घाट पर मेला रामनगरिया के उद्घाटन समारोह में सोमवार की शाम दीपों से जगमगा उठी, जिससे गंगा तट में चार चांद लग गए। वाराणसी से आए विद्वानों ने माँ गंगा की आरती की। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने संतों के साथ आहुतियां दी। इस दौरान लोगों ने श्रद्धा का सैलाब देखते नहीं बना। गंगा से दीप दान कर मेला सकुशल संपन्न हुआ। लोगों ने मनोती भी मांगी, परंतु आचार संहिता के चलते जिलाधिकारी संजय सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आपको बताते चले कि मेला के प्रशासनिक क्षेत्र में लगाए गए विशाल पांडाल में सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने पति प्रवीण भार्गव, मेला संत समिति अध्यक्ष महंतगिरी, भोलेपुर मंदिर के महंत बाबा बालकदास के साथ हवन में आहुतियां दी। पंडित शिव कुमार शास्त्री व आचार्य प्रदीप नारायण शुक्ला ने हवन पूजन अर्चना संपन्न कराई। तदुपरांत गंगा तट पर दीपोत्सव भी किया गया। कार्यक्रम अधिकारी भारत प्रसाद जी की देखरेख में कराया गया। वाराणसी से आए विद्वानों ने विधि विधान से गंगा आरती कराई। मौके पर सीओ सिटी प्रदीप सिंह, मेला कोतवाली प्रभारी उमेश प्रताप सिंह, शहर कोतवाली प्रभारी विनोद शुक्ला, संजय गर्ग, मेला व्यवस्थक संदीप दीक्षित आदि मौजूद रहे। परंतु विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। तो आइए अब सुनते हैं खबर की खबर, हमारे सहयोगी शानू खान के साथ देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि आधी अधूरी तैयारी के साथ मेला रामनगरिया का शुभारंभ किया गया, जहां अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। आने जाने के मार्ग सब ऐसे ही पड़े हैं, पैटून पुल भी आधा अधूरा है, सीसीटीवी कैमरे भी आधे अधूरे चालू हैं। तो आइए देखते हैं कल्पवासियों का क्या कहना है। नमस्कार, मैं शानू खान, यूपी 76, खबर हमारी दुनिया तक। आइए, आ चुके हूँ मेला रामनगरिया में, देखते हैं यहाँ पब्लिक की क्या समस्या है, क्या नहीं है। देखते हैं यहाँ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई हैंडपम्प की समस्या लिए बैठा है, कोई लेटरिन की समस्या ले बैठा है, कोई सरकार की समस्या ये है बता रहे हैं, यहाँ कोई सुविधाएँ नहीं कर रखी है, बंदोबस्त नहीं कर रखा है। आइए मिलते हैं जनता से और आए चौधरी दादा, यहाँ की लोग बता रहे हैं काफ़ी समस्याएँ हैं, क्या समस्याएँ हैं यहाँ की? यहाँ की समस्या ना तो लेटरिन कोई कुछ है सुविधा, ना कोई पानी की, नल लगा हुआ आज 8 दिन का पानी नहीं दे रहा, ये हालत है नल की। यहाँ तो बताया जा रहा सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मगर कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्या सुविधाएं, क्या क्या सरकार ने सुविधाएं दे रखी हैं आप लोगों को यहाँ पे? अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है दादा, क्या सुविधाएं दे रखी है सरकार का? सुविधाएं की हैंड पाइप, शौचालय, बत्ती, ये सब कुछ। प्रशासन तो कह रहा है सारी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिल रही है। दादा, ये आप लोग लेटरिन और ये पानी वगैरह कहाँ से भर के लाते हैं? पानी बाहर से लाते हैं। यहाँ सुविधा नहीं मिली आप लोगों को? नहीं मिला। जो हैंडपम्प दिख रहा है, ये यहाँ पे हैंडपम्प दिख रहा है, इसकी क्या पोजीशन है? ये लगा दिया है, टूटा पड़ा है। कब से टूटा पड़ा हुआ है? जब से लगाया है, शाम लगा गया और शाम में 8 दिन हो गए इसको। 8 दिन से कोई सुनवाई नहीं हुई है इसकी? कोई नहीं देखता है, हम बराबर जाते हैं कभी, एक दिन कम्प्लेन की है इसकी, एक बार जाते हैं जी, और यहाँ निकलते तो यहाँ भी कहते अभी आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे काफी समस्याएं हैं जनता के बीच में, काफी समस्याएं हैं, लोग सुजालू वगैरह बड़े दूर दूर से कोई कहीं कहीं से आ रहा है, मगर कोई सुनवाई इन लोग की नहीं हो रही है। कोई हैंडपंप को लेके कह रहा है, कोई अपना शौचालय का कह रहा है, कोई किसी का कह रहा है, कोई इनका समाधान नहीं हो रहा है। और प्रशासन ये कह रही है मैंने सारी सुविधाएं पूरी कर रखी हैं, मगर देखिए वो सामने सामने दिख रहा है, कोई हैंडपंप की बात कह रहा है, कोई कहीं। आइए और जनता से राय लेते हैं और पूछते हैं जनता से क्या। और नॉर्मल स्कूल के बाद शादी राज्य आश्रम बालाजी धाम से। अच्छा, कितनी सालों से आ रहे हैं आप मेले में? कई साल से आते हैं। अच्छा, प्रशासन ने इस बार जो सुविधा दी है, क्या सुविधा दी है और उस बार क्या सुविधा दी? अभी इस समय उन्होंने 17 तारीख के बाद सुविधा बताई है। अच्छा, नल की व्यवस्था क्या रखी गई? नल की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, लैट्रिन की कोई व्यवस्थाएं नहीं, इस समय ठेकेदार सुनते नहीं है। अच्छा, ठेकेदार सुन नहीं रहे हैं? कोई भी ठेकेदार नहीं सुनता है। अच्छा, क्या कहते हैं ठेकेदार? हर समय चूतिया बनाते रहती है, 5 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ।
रोज का काम है ये, महाराज जी गलत कह रहे हैं। अरे शौच के लिए बाहर जाते हैं यहाँ से, क्या करें। तो अब कल मुश्किल से जब लड़ाई हो पड़ी हमारी, जब माँ के ढाके पे उतर आए तब पे दो लैट्रिन बन के आई, सुबह भी ऐसी बनी है कि भगवान आश्रय है। अच्छा कार्यालय में कहा गया एक बार भी? कई बार, पांच बार हो आया मैं। किसके कार्यालय भूख गया? किसके कार्यालय भूख गया? मैं बिजली विभाग के भी हुआ, नल वालों के भी हुआ, ये दो ही कार्यालय हैं वहाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक? वो चूतिया बनाते हैं सब, अपने अपने उल्लू फिट करते हैं। अच्छा, और हम अपनी भी उतर आएंगे तो आज ही साला नल लगेगा, ये भी हम बता देते हैं। तो इस बार मेला का मतलब क्या सुविधा रहेगी? मेला की अब दिखाई पड़ रही है क्या सुविधा है, आज से बताया है कि 17 तारीख के बाद सुविधाएं होंगी, अब आगे कल देखा जाएगा, आप लोग आओगे तो बताएंगे हम। ठीक ठीक महाराज। ओके महाराज, क्या नाम है आपका? जी मैं संसिमती अध्यक्ष महाराज सतगिरी जूना खड़ा। अच्छा, जैसे कि आप इस बार सुविधा जो दी गई है, कैसी सुविधा दी गई और क्या क्या समस्याएं हैं? दारी सही कराते हैं, लेकिन ये असुविधा है क्योंकि नल थोड़े से टूटे हुए हैं, कुछ खराब हैं, और जनसंख्या अधिक बढ़ गई है मेले की और नल की। अच्छा पहले सुविधा क्या थी, अब सुविधा क्या है? सुविधा यही पहले होती थी, यही आज है। अच्छा सही चल रहा है इस बार? हाँ, जो शौचालय और लाइट और पानी की व्यवस्था जो मेले से होती है। क्या नाम है माता जी आपका? रानी। रानी माता जी, ये आप कहाँ से आ रही हो? रातौरा से। हाँ। ये पानी आनी कहाँ से भर के ला रही हो? चली फिर यहाँ हैंडपम्प वगैरह नहीं लगा है? कोई सुविधा नहीं? कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? अब कल ही मैं आई पाई। अच्छा, जेठानी हमारी वही वही थी हम। अच्छा, काल घर। दादी क्या नाम है आपको? मुन्नी। अच्छा कितनी साल से आ रही मेला में? हाँ मई भैया हुई गई हुई 30-40 साल। अच्छा क्या सुविधा दी गई इस बार मेले में? कुछ ना आईबे रखो दी गई। अच्छा माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रानी। रानी माता जी, यहाँ पे जो झोपड़ियाँ पड़ी हैं, इसमें पानी बिजली लैट्रिन ना पानी की ना लैट्रिन की ना बत्ती की, ना लैट्रिन की ना पानी की ना बत्ती की कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा कोई सुविधा नहीं, प्रशासन कोई सुविधा नहीं दे रही है? और यहाँ पे नल कितना लगे हैं? एक नल लगो है तो कम से कम 6-7 राउटी है। सही सही राउटी है वहाँ तक। एक नल से 4 दफे टूटो, मतलब 4। अच्छा 4-5 दफे हत्था टूट चुका है मगर पानी की कोई सुविधा नहीं मिले। तो पानी माता जी कहाँ से लेके आ रही हो आप लोग? अरे कब वहाँ से जाती हूँ, गंगा जी से पानी लेके आ रही हो। बड़ी परेशानी हो रही है, बत्ती की भी कोई सुविधा नहीं मिली आपको? अंधेरे में ही, अंधेरे में हो। तो कहाँ की रहने वाली हो? बाबरपुर। हरदोई। हरदोई की हो? जय सभी लोग हरदोई के हैं क्या? कोई सुविधा आप लोगों को प्रशासन नहीं दे रही है? कोई सुविधा नहीं। दादा यहाँ से लैट्रिन कितनी दूर होगी? लैट्रिन होगी करीब करीब 50 मीटर। काफी दूर है। 50। पानी दादा कहाँ से भर के लाते हैं? है ना पानी? एक पानी नहीं है, पानी एक नल लगो है, एक ही नल है। मतलब उसमें 4-5 दाव हत्ता टूट चुको, रोज 4-5 दिन। झोपड़ियाँ कितनी है लगभग? कितने घर बने होंगे यहाँ? झोपड़ी 600 झोपड़ी में एक नल है। हाँ। और बाकी कोई सुविधा नहीं मिल रही है? बत्ती की? बत्ती है भाई, कुछ कुछ नहीं है। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? 7 दिन। 7 दिन हो गए, 7 दिन में कोई सुविधा नहीं मिल पाई है आपको? परेशानी हो रही है, हर चीज की परेशानी हो रही है आपको? क्या नाम है भैया? संदीप अग्निहोत्री। संदीप अग्निहोत्री जी। संदीप अग्निहोत्री भैया, यहाँ पे आपको प्रशासन ने क्या क्या सुविधा दी है? भैया लैट्रिन की सुविधा दी है। हाँ। अभी लाइट की नहीं है। लाइट की नहीं है यहाँ पे? कुछ लोग आपके अगल बगल वाले कह रहे हैं यहाँ पे ना कोई लैट्रिन की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना बत्ती की सुविधा मिल रही है। यहाँ बहुत सारी बनी। नहीं यहाँ पे बता रहे हैं 800 झोपड़ी है, 800 झोपड़ी में नल टूटा पड़ा हुआ है, पानी बहुत दिक्कत हुई, कोई गंगा जी से पानी लेके आ रहा है। ये दिक्कत, ये दिक्कत हो रही है, समस्या है। मतलब आपको इतनी जानकारी भी नहीं है? हम आज ही आए हो, बाकी जानकारी आपको नहीं है। माता जी आपसे हम पूछें क्या समस्या है यहाँ की मेला रामनगरिया में? बड़े बूढ़े हैं वे, पड़ोस में रह रहे हैं। ठीक। और उनके लैट्रिन की नहीं, लैट्रिन की कोई सुविधा नहीं हो रही है यहाँ पे। पानी की भी सुविधा नहीं है। माता जी बत्ती भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है और पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है तो पानी की बड़ी समस्या चल रही। कोई आपने शिकायत वगैरह किसी करी है माता जी? शिकायत हमने किसी से नहीं की। मतलब कोई आया देखा वाली किसी ने नहीं करी क्या नल का, या नल टूटा है? देखा ही नहीं कि कोई आया या नहीं आया। मतलब कितने दिन हो गए अम्मा ये नल को खराब हुआ? हम तो कल आए। नहीं, नल को खराब कितने हो गए, कितने दिन हो गए? अभी अभी हुआ खराब।
कुछ लोग बता रहे हैं कि 6-7 दिन से खराब चल रहा है। 6-7 दिन से हुई रोड। 6-7 दिन से खराब है। हम तो 6 दिन के आए हैं। अच्छा अच्छा, हम 6 दिन के आए हैं। 6 दिन के आए हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ माँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया पूरी 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 है। माता जी हमें एक चीज ये बताएं, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं क्या यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे बत्ती की समस्या है, यहाँ पे लेटरिन की समस्या है। माता जी आप बताएं यहाँ की क्या समस्या है? समस्या यहाँ समय कोई समस्या है न लेटरिन है। जैसे कि आपने कार्यालय पे गई हो शिकायत करने के लिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? कार्यालय क्या कहा गया? कहीं न बत्ती आई और न खाना लेटरिन की सुविधा है, न पानी की है। माता जी कहाँ से आई हैं आप? बाबरपुर। बाबरपुर से, बाबरपुर से आई हैं। एक महीने के लिए यहाँ पे कल्पवास करते ही हैं। और इस बार सुविधा क्या दी गई है? कुछ नहीं दी, कुछ नहीं सुविधा मिल रही है। कोई प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिली आपको अभी तक? कोई। ठीक है माता जी, कोई सुविधा। आदि क्या नाम है आपका? सुशीला जी, आप एक महीने के लिए यहाँ पे कल्पवास करने के लिए आती हैं, और इसके बारे में प्रशासन ने उस बार क्या सुविधा दी थी, इस बार क्या सुविधा दी गई है? वही सुविधा पहले ना, कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, यहाँ पे 50 राउटी बनी है, नल एक लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? अब नल लगाई है, नहीं बिजली की क्या, बिजली की सुविधा क्या है यहाँ पे? रात में बच्चे भी रहते हैं यहाँ पे, बिजली की क्या सुविधा दी गई है? अब हम आते तब कुछ है या ना, का है दादी, क्या नाम आपका? देखो सुनीला। अच्छा, क्या सुविधा दी गई है इस बार मेले में? अच्छा, मतलब जो आप कार्यालय पे एक बार कही कहा है नल के लिए या फिर बिजली के लिए? तब भी कोई कार्रवाई नहीं दी गई है? भैया ये कार्ड पैसा दे के बाद में दादा, क्या पैसे की बात कर रहे हैं? क्या बात करिए पैसे की, वो बताइएगा। इस साल नहीं, पार साल गाते तब उन्हें कहे 100 रुपया दे हमें बल्ब के लिए, और 100 रुपया दे को लगवाई बच ले या लेटरिन उन्हें कहे लेटरिन देना। मतलब जो भी चीज खराब हो रही है उसका पैसा मांगा जा रहा है आपसे, या चाहे वो नल हो, चाहे बत्ती हो, चाहे कोई हो, उसके पैसा पहले, हर चीज का पैसा मांगा जा रहा है आपसे। तब भी पैसा लेके नहीं देते, पैसा लेके पैसा लेके चले जाते हैं, मगर तब भी कोई काम नहीं करते हैं। ये देखिए, ये लोग खड़े हुए हैं। मैं शाहरुख खान, UP 76 से, खबर हमारी दुनिया तक। सर काफी माता जी लोग हैं, मेरे भाई बंधु सब बैठे हैं, दादा भी खड़े हैं। देखिए, आइए देख लीजिए। कहाँ से आए हुए? अब तो राजस्थान से आए हुए। अच्छा, राजस्थान से आए। अच्छा, इस बार मेले में क्या सुविधा दी गई है और उस बार क्या सुविधा थी? पहले तो सुविधा बहुत ज्यादा थी, अब की बार हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, केवल एक नल लगा हुआ है बस। अच्छा, नल लगा है, मतलब 50 राउटियां पड़ी हुई हैं और एक नल है, इसमें इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, तो असुविधा है और क्या कहेंगे। अच्छा, जैसे कि बिजली की कुछ सुविधा दी गई है, क्या सुविधा दी गई बिजली की? बिजली कोई नहीं, आम सुविधा है, वही उसी में हम निपट रहे हैं। आम सुविधा है, रास्ते में जो बिजली लगी हुई है। अच्छा, प्रशासन के बारे में इस बार क्या कहेंगे और उस बार, मतलब जो सुविधाएं दी गई थी, इस बार क्या सुविधा थी? सुविधा इस बार अभी तो 0 पॉइंट है। अच्छा, 0 पॉइंट है। जैसे कि आपने कार्यालय पे एक बार इसकी शिकायत दी गई है? कार्यालय पर तो हमने शिकायत नहीं दी है इसकी। अच्छा, कहा है एक बार भी प्रशासन से कि हमारे यहाँ पे ये कमी है? प्रशासन तो नहीं कहा, संत महात्माओं से कहा। अच्छा, संत महात्मा ने क्या कहा है? कहा लगवा देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें पानी नहीं उतर रहा है आपके? देखो ना, जल्दी सामने आए। जयपुर जी समय बताओ, क्या अंदर लगाने में फायदा क्या हुआ? फरुखाबाद। अच्छा, फरुखाबाद से आए। अच्छा, इस बार मेले में क्या सुविधा दी गई है और उस बार क्या सुविधा थी? हम लोग तो जब से आ रहे हैं जी, दीपक जला के रहते थे। अच्छा, कितनी साल हो गए आप यहाँ से कल्पवास कर रहे हैं? हम 7 साल की उम्र से कर रहे हैं। 7 साल की उम्र से कर रहे हैं। अच्छा, क्या सुविधा दी गई है इस बार मेले में? मेला सुविधा तो सामने है आपके। अच्छा। नल ठोके हैं लेकिन पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा नलों में लगाया आप गया। तो देख रहे हैं। अच्छा, बिजली की क्या सुविधा दी गई है? बिजली की तो ये टाल रहे हैं कि आज कर दें कल कर दें। अच्छा, कहाँ है एक बार भी कार्यालय पे जाकर? कार्यालय क्या कार्यालय करता, उनसे बात करो, वो कहते उनसे बात करो, वो कहते उनसे बात करो, ये चल रहा है। अच्छा। अभी आ रहे महाराज, अभी 10 मिनट मारे गड्ढा खोदे हुए, 10 दिन लेटरिन घटाला हुआ, कल रात दूसरी लगा। अब मतलब शौचालय कब से चालू, मतलब अभी चालू नहीं किया गया है? कुछ नहीं भाई, चल रहा, केवल इतना अनुशासन दिया जा रहा है कि सब हो रहा हो रहा, उद्घाटन हो जाने दो, उद्घाटन हो जाने दो। अच्छा, सब उद्घाटन के चक्कर में टाले पड़े हैं। हाँ, उद्घाटन के बाद देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।